नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में JNM में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से JNM नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, देन आपको क्या करना होगा, कितने परसेंट मार्क्स होने ज़रूरी हैं एंड कौन सी स्ट्रीम आपके पास 12th में होनी चाहिए, क्या करना होगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही JNM नर्सिंग का जो कोर्स है ये 3 साल 6 महीने का होता है। 3 साल का कोर्स होता है और 6 महीने की आपको इंटर्नशिप करनी होती है। इस तरीके से इसमें 3.5 साल यानी कि 3.5 ईयर्स लग जाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप नर्सिंग की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। स्टाफ नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल नर्स और भी कई सारी जॉब प्रोफाइल हैं, उन पर आप काम कर सकते हैं JNM करने के बाद। अगर हम बात करें कि JNM नर्सिंग में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में यानी कि सरकारी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, तो 2 तरीके से होता है। पहला है मेरिट बेस्ड एडमिशन, यानी कि 10th और 12th के जो मार्क्स होते हैं उनके आधार पर एडमिशन मिलता है। दूसरा है एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड एडमिशन, यानी कि प्रवेश परीक्षा आधारित एडमिशन। तो कुछ कॉलेजेस क्या होते हैं, कुछ सरकारी कॉलेज 10th और 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन देते हैं स्टूडेंट्स को, और कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा कराते हैं और उस प्रवेश परीक्षा में स्टूडेंट्स के जैसे मार्क्स रहते हैं उसके आधार पर एडमिशन देते हैं। तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि आप कहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं और उसमें किस तरीके से एडमिशन हो रहा है, क्या 10th और 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन हो रहा है या फिर वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इस चीज़ को हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो 10th और 12th अगर आपने साइंस स्ट्रीम में किया है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ कॉलेजेस क्या कहते हैं कि 10th और 12th आपका किसी भी स्ट्रीम में हुआ है, 12th में अगर आपके पास अंग्रेजी सब्जेक्ट था यानी कि 12th विद इंग्लिश, यानी कि 12th में अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट था, स्ट्रीम आपके पास चाहे जो भी थी, चाहे साइंस थी या फिर आर्ट्स थी या फिर कॉमर्स थी या फिर कोई अदर, आप अप्लाई कर सकते हैं, बस 12th में इंग्लिश होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वहीं कुछ कॉलेज डिमांड करते हैं कि 10th और 12th अगर आपका साइंस में हुआ है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ कॉलेज कहते हैं कि 12th में अंग्रेजी विषय था, स्ट्रीम में आपके पास साइंस थी या फिर नहीं थी तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इस चीज़ को हम आपको एग्जांपल से बताने जा रहे हैं। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर क्या लिखा है कि 10th और 12th यानी 10वीं और 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट। तो 10th और आपका जो इंटर है यानी कि जो 12वीं है, ये अगर आपका साइंस स्ट्रीम में यानी कि विज्ञान वर्ग के साथ हुआ है देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो मेंशन है, और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप एक जनरल या फिर OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपके 12th में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन 12th में अगर आपके कम से कम 40% है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो परसेंटेज भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल आता है कि एज कितनी होनी चाहिए, तो आप जिस साल यानी कि जिस ईयर एडमिशन लेने जा रहे हो उस ईयर के 31 दिसंबर तक आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष हो, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि 17 से कम नहीं होनी चाहिए, 17 वर्ष हो रही है या फिर इससे ज़्यादा हो रही है, 17, 18, 19, 20 या फिर इससे भी ज़्यादा, देन आप अप्लाई कर सकते हैं, बट 17 से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम कितनी, अधिकतम 35 वर्ष, 17 से 35 वर्ष के बीच में अगर आपकी एज है देन आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। JNM नर्सिंग का जो कोर्स है इसको लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं, मतलब कि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो कुछ कॉलेजेस क्या कहते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम सबसे पहले आपको क्लियर करना होगा, उसके आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफाई इटावा, इस यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिलीज़ हो चुका है और लास्ट डेट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साथियों। और यहाँ पर यह लिखा है कि 12th में अगर आपके पास इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सब्जेक्ट था, स्ट्रीम कोई भी थी, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर इससे पहले आपने जो एडवर्टीजमेंट देखा है यानी कि जो विज्ञापन आपने देखा है अदर सरकारी कॉलेजेस का, वहाँ पर क्या लिखा था कि 10वीं 12वीं अगर आपकी विज्ञान वर्ग के साथ यानी कि विज्ञान विषय के साथ हुई है देन आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर यह लिखा है कि 12th अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ हुआ है और स्ट्रीम कोई भी थी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर किस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से JNM करने जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पर मार्क्स मेंशन किए गए हैं कि कम से कम 40% तो होने चाहिए 12th में तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर आपके मार्क्स 12th में कम है देन आप अप्लाई कीजिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यानी कि प्रवेश परीक्षा के लिए, क्योंकि प्रवेश परीक्षा जब आप क्लियर करेंगे तो प्रवेश परीक्षा में जैसे आपके मार्क्स रहेंगे उस आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं 10th और 12th में देन आप डेफिनेटली मेरिट बेस्ड एडमिशन में अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब आपके ज़्यादा नंबर हैं देन आपको गवर्नमेंट कॉलेज में 10th और 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन मिलने का जो चांस है, 10th और 12th के जो मार्क्स हैं उनके आधार पर एडमिशन मिलने का जो चांस है वो ज़्यादा रहता है।
ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी आप देख पा रहे होंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देना है, बट वहाँ पर 10th और 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन हो रहा है। तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि दो तरीके से एडमिशन होता है, मेरिट बेस्ड एडमिशन, दूसरा एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन। ठीक है, अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं JNM के बारे में, देन डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा JNM नर्सिंग कोर्स के बारे में। साथ ही ये जो हमने एग्जाम्पल आपको दिया है एक 10th और 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन वाले एप्लीकेशन फॉर्म का, दूसरा यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका, तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप चाहें तो अभी भी उनमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023, तो आपके पास समय है, आप चाहें तो अभी अप्लाई कर सकते हैं इनमें। वैसे आने वाले समय में भी जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।